हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स लाइफ। इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट्स देता हूं। और आज का जो जॉब अपडेट है इट इज़ बाय NHPC लिमिटेड, दैट इज़ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैंने फुल डिटेल्स दिया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, पोस्ट, सैलरी सब कुछ है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूल, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जॉब मिल रहा है फ्रॉम NHPC, ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। एडवर्टीजमेंट नंबर है NH/rect.02/2021। तो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो है 1 सितंबर 2021, और लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो है 30 सितंबर 2021। जो पोस्ट मिल रहा है आपको वो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर का। पे स्केल है फ्रॉम ₹60,000 to ₹1,80,000। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है MBBS डिग्री चाहिए विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, और परसेंटेज इज नॉट फिक्स्ड, और पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, एक्सक्लूडिंग पीरियड स्पेंड ऑन कोर्सेज और PG। और मैक्सिमम एज लिमिट है 33 ईयर्स, और वो काउंट होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2021। और टोटल वैकेंसीज है 13। नाउ नेक्स्ट इज असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, इसका पे स्केल है फ्रॉम ₹40,000 to ₹1,40,000। और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी। और एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड हिंदी, और इसका एज लिमिट है 35 ईयर्स। और टोटल वैकेंसीज है 7। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इन फील्ड सिविल, और इसका सैलरी है फ्रॉम ₹29,600 to ₹1,19,500। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड नॉलेज ऑफ ऑटो कैड विल बी एन एडवांटेज। और मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स, और टोटल वैकेंसीज है 68। और नेक्स्ट इज जूनियर इंजीनियर फील्ड इलेक्ट्रिकल, इसका भी पे स्केल फ्रॉम ₹29,600 to ₹1,19,500, और इसका है फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और इसका भी नॉलेज ऑफ ऑटो CAD विल बी एन एडवांटेज, और इसका मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स, और टोटल वैकेंसीज है 34। और जूनियर इंजीनियर फील्ड मैकेनिकल, इसका भी पे स्केल सेम है, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, और मिनिमम 60% मार्क्स आना चाहिए, और नॉलेज ऑफ ऑटो CAD विल बी एडवांटेज, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, और टोटल वैकेंसीज है 31। और सीनियर अकाउंटेंट का पे स्केल सेम है, और क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट CA और CMA, पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, और मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 ईयर्स, और टोटल वैकेंसी है 20। और कैंडिडेट्स को सैलरी के साथ अलग अलग बेनिफिट्स भी मिलेगा, दैट इज कैफेटेरिया अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, HRA, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन, ग्रेट्यूटी, ये सब मिलेगा सैलरी के साथ एम्प्लॉयज लोग को। और प्लेसमेंट कैंडिडेट्स का कहीं भी हो सकता है, दैट इज एट प्रोजेक्ट्स, पावर स्टेशन ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ NHPC इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और प्लेसमेंट कैन बी अब्रॉड। और एप्लीकेशन फीस है वो है 250, और ऑनलाइन पेमेंट करना और नॉन रिफंडेबल है, और ST/SC/PWD एक्स सर्विसमैन को एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। और कैंडिडेट्स एक बार चेक कर लेना अपने एलिजिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर पेइंग द फीस। कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा थ्रू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, और इसी टेस्ट के बेसिस में फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन और कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा फॉर ईच पोस्ट। टेस्ट विल बी हेल्ड इन 22 सिटीज़, तो आप अपने हिसाब से टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको नोटिफिकेशन लेटर का लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हो कौन सा सेंटर है, और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो सेंटर।
अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, दैट इज www.nhpcindia.com। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। फिर करियर ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट नंबर आएगा, उसमें सेलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है विथ रेलेवेंट डिटेल्स और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगा, वो आपको नोट करना है फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना है वो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, फिर सेट ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके साथ आप लोगों को लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और टेक आउट द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और नोट करना एप्लीकेशन आईडी फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। और एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले जो आपने डिटेल्स भरा है वो चेक कर लेना, क्योंकि अगर बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने टाइम अगर मिसमैच हुआ तो आपका डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है। और वैलिड ईमेल आईडी देना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको ईमेल आईडी में आएगा या तो ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। और आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट का थ्रू नहीं भेजना है। तो ये था कैसे अप्लाई करना है। सो जो ये जॉब के लिए एप्लीकेबल या एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है, इस जॉब के लिए बहुत बढ़िया सैलरी मिल रहा है। तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम NHPC, दैट इज नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे ऑन जॉब रिक्रूटमेंट।